अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे के समोसे। इंग्रेडिएंट्स ये हैं, आधा किलो कीमा। इसकी शान खत्म करने के लिए पहले इसको पानी में उबालना है। लहसुन और एक टीस्पून अदरक डालेंगे। कीमे पे झाग आ रही है, ये झाग बस जरा सा उबाला आएगा तो फौरन निकाल के जाया कर देनी है, वरना इसकी अगर ये अंदर रच गई तो ये शान इसकी खत्म नहीं होगी। अक्सर कीमे में, कीमे के समोसे में शान सी होती है, वो की वजह यही होती है कि ये जो सा है इसके अंदर से शान है वो ख़त्म नहीं हुई। जब इसको हम उबाला आते साथ ही इसकी शान फेंक देंगे तो वो इसमें स्मेल किसी किस्म की स्मेल नहीं रहेगी और कीमे के समोसे बहुत मज़ेदार तैयार होंगे। पैन को गर्म करना है और इसमें हाफ कप ऑयल शामिल करें। गरम हो गया है, इसमें अब 1 टेबलस्पून लहसुन को शामिल करेंगे। जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो उसमें 2 दरमियाने साइज के प्याज बारीक चॉप कर लें और वो शामिल कर लें। हल्की आंच पे फ्राई करें और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है। प्याज जो है वो सौते हो चुका है, अब इसमें हम कीमा शामिल करेंगे। वन टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी और हाफ कनोर क्यूब। वन टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक। समोसे की फिलिंग तैयार हो गई है, अब ये जब ठंडी हो जाएगी तो इससे हम समोसे बनाते हैं। स्टफिंग रेडी हो चुकी है, अब समोसे बनाकर इसे फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून मैदा, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसकी पेस्ट सी बना लेनी है, थिक सी, ज़्यादा पतली ना हो और ज़्यादा हार्ड भी ना हो, जस्ट पेस्ट की तरह की बना लेंगे। पेस्ट तैयार हो गई है, इन साइड पर रख देते हैं। अब समोसे काट के, अगर आपके पास चोरस है थोड़ी सी लें। मार्केट में वैसे पतली वाली समोसे की पट्टी भी अवेलेबल होती है, लेकिन अगर चोरस है तो उसको यूं दरमियान से हाफ कर लें। जगह पे सारी पेस्ट लगा देंगे। अब इसको बहुत ध्यान से कॉर्नर की शेप बनानी है। और ये पाउच का तैयार हो गया, इसमें डालते हैं अपनी स्टफिंग
हैं।